चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे बड़ा घर चाहिए इतना पैसा हाथ से कूं जला कर घर पे सारे चाहिए खुश बिना वजह के फैशन से मैं आने देना ज्यादा जमा कर चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे बड़ा घर चाहिए इतना पैसा हाथ से कूं जला कर घर पे सारे चाहिए खुश बिना वजह के फैशन से मैं अपने देना चाहता कमा कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशांक, इस चैनल का होस्ट। और अभी जिसको हम सुनने वाले हैं वो है किंग उमर 73 ऑफिशियल में पहले भाई ये मशहूर चैप्टर का एक और गाना। इससे पहले हमने फैंटेसी सुना, उससे पहले हमने तालियां सुना। सो तालियां, फैंटेसी एंड उमर 73। सो लेट्स गो, अभी हम सुनते हैं पुराने गाने। लाइक हम दिस इज अ टाइम काइंड ऑफ सीरीज जिसमें हम आर्टिस्ट के पुराने पुराने गाने सुनेंगे एंड अभी से कंपेयर करेंगे, समझ रहे हो? मतलब मज़ा आ जाएगा कि पहले कैसे गाने थे और अभी कैसे गाने हैं। और जो पहले काफ़ी आर्टिस्ट बोलते हैं कि एक दिन मेरा नाम होगा, ये होगा, और आज वो नाम कमा चुके हैं इतना ज़्यादा कि इससे मोटिवेशन मिलती है। तो पूरी जर्नी देखेंगे यार आर्टिस्ट की, है ना? तो लेट्स गो, अभी चेक करते हैं उमर 73 बिना किसी देरी के। ऑल द किंग फैंस सब्सक्राइब कर लो भाई, जितने भी, मतलब ज़रूरी नहीं है किंग के भाई, सारे आर्टिस्ट के कर लो, क्योंकि हम हर आर्टिस्ट के करेंगे। तुम बताओगे पुराने गाने, मैं बनाऊंगा वीडियो। सो आ जाओ बिना किसी देरी के, 1 2 3 लेट्स गो। एंड मशहूर चैप्टर 1 है ये, तो मे बी चैप्टर 2 भी अभी तक तो नहीं आया, बट मे बी इन फ्यूचर आए। आज से मैं बोल रहा हूँ इन फ्यूचर आए, अभी हम पास्ट में है, ठीक है? अभी हम किंग के पास्ट में है, लाइक बहुत ही, लाइक जब किंग 22 साल का था तब में हम, लाइक 2 साल पहले आ चुके हैं हम फ्यूचर से आए। हम बताएंगे किंग को कि भाई तुम कहाँ पहुँच चुके हो आज की डेट में, ठीक है? जो तुम बातें बोल रहे हो वो हो चुकी हैं पूरी, तो अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, जितनी भी बातें थी सारी वो आ गई है मेरे सामने। ना कहूँ मैं तेरी ना तू कहे मेरी, पर दोनों ही सच्चाई जानते। और ऐसी जब से जुबा बनी मेरी, मैं देखूँ वो घबराते सामने। वो कहते हैं मैंने शुरू किया गाना तो गाड़ा रहा सब कुछ अंजाम पे। हाँ क्यों खुद को मैं रोक नहीं सकता, क्यों मुझे मेरे जैसा कोई नहीं दिखता। मैंने देखा लोग सस्ते बड़े हैं, उसूल रखे कोई महंगा नहीं दिखता। उन्हें लगा जो घमंड मेरी टोन में, और क्यों ना हो जब हर गाना हिट था। तेरा नंगा पड़ा प्यार मेरे फोन में, वो मेरे आगे झुके जिससे तेरा रिश्ता। ज्यादा टाइम नहीं लगता है टाइम को बेटा बदलने में। किसी किसी गाने में किंग इतना बैडएस हो जाता है ना कि मतलब लिमिट क्रॉस हो जाते, समझ रहे हो? मर्द होता वही जो कि डरता नहीं अकेले लड़ने में। ट्रू भाई, ट्रू फैक्ट। सच्ची नार वही जो कि मरती नहीं चार उपकरणों पे। रख आईफोन, गाड़ी, गुची, फराडा और हट तू मुझको आगे बढ़ने दे। मुझे पूछे लोग ठहरा कौन मैं, अकेले ही बसड़ मचा रहा जोन में। हम सुनते हैं बादशाह रफ्तार, पर तू कहां से आ गया है भाई मेरे फोन में। और लूप पे लूप तुझसे हो रही ना चूक, किसी भी बार में तू लगे बुलेट प्रूफ। उनों के मुंह पे तू जो बोले साले झूठ, साले बनते बहुत पर शक्ल इनकी छोटा मोटा। मैं तो ही टॉकिंग लाइक वो अपने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि हम बादशाह रफ्तार को सुनते हैं, तो भाई तू कहां से आ गया यार, हमारी प्लेलिस्ट में जबरदस्ती घुस गया, लूप पे बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, और तू चूक भी नहीं रहा ऐसे गाने बनाने से भाई। अबे यार, तू लगे बुलेट प्रूफ। उनों के मुंह पे तू जो बोले साले झूठ, साले बनते बहुत पर शक्ल इनकी छोटा मोटा। मैं हिसाब ना रखूं, लेके गम यूं मैं हंसता चलूं। पापा की परियों पे मरता नहीं, सारे शैतान मैं साथ रखूं। खोलो डट मेरी बोतलों में जान है, बोलो ना पीछे मेरे बड़े तेज कान है। मैंने जो सोचा था वो देखो मैंने पा लिया, उमर 73 आजादी मेरा नाम है। तेरे हुसन का असर मुझे कोई नहीं, ऐसा नहीं के खबर मुझे हो ही नहीं। मुझे आज भी देखती है क्यों फोन में, मशहूर राजा तूने देखा और तू सोई नहीं। तेरी एक ख्वाहिश है तू बने मेरी रहनुमा, मेरा तजुर्बा तो इतनी बड़ी हो ही नहीं। एंड आई एम गेसिंग कि जिस टाइम में ये गाना आया था उस टाइम में किंग का लाइक अच्छा खासा नाम हो गया था। नॉट आज जितना उतना नहीं, मतलब हाँ एक नाम हो गया था। ये हसल से पहले के गाने हैं।
सो अच्छा खासा लाइक ना, मतलब अगर बोल रहा है बंदा, मशहूर एल्बम निकाल रहा है नाम की, गानों में बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सीन था, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा उसके पास ऑडियंस थी, उसके पास बेसिकली ऑडियंस थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। कोई नहीं तेरी एक ख्वाहिश है तू बने मेरी रहनुमा, मेरा तजुर्बा तो इतनी बड़ी होई नहीं, तू क्या समझेगी दिल टूटने का दर्द मेरा, धोखे की बारिश में तू मेरी तरह रोई नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है बुद्धि को मेरी बिगड़ने में, जब जाएगी सच घबरा जाएगी तू साथ चलने में, याद आया न तुझको ये बंदा जिए में न मरने में, तड़पाऊंगा तुझको भी अर्पण से किंग मुझको बनने दे, हाँ और हर एक बात पे तालियां बजे मेरी हर एक बात पे, न माने सच कभी रखे देख साथ में, करना राज मैं तो लाया लिख के हाथ पे, ए, मेरा सच बड़ा जानलेवा, ए, तेरा झूठ मेरी जान में वा, ए, जिसकी बाहों में है खुल रही तू कल वही साला बांध देगा। मुझे लगती नजर नहीं किंग जीते क्योंकि हारने का डर नहीं, सब देखूं तुझे लगता खबर नहीं, कुछ भी कर मेरा तोड़ियो सबर नहीं, जिस दिन टूटे सबर। भाई किंग मतलब 4 साल से लड़की को डिस कर रहा है, एक लड़की को, आई थिंक मतलब आई डोंट नो ये सेम लड़की है या फिर पता नहीं, बट हाँ ये 4 साल हो गए, मतलब उसने कार्निवल निकाल दिया ब्रेकअप के गम में, उसने गोरिल्ला बाउंस निकाल दिया ब्रेकअप के गम में, उससे पहले मशहूर, इसमें भी वही चीज़ चल रहा है भाई, मतलब मैं बोलूँगा ऐसा ना हो भाई, मतलब मैं बोलूँगा ऐसा दोबारा ना हो, बट बहुत फैंस होंगे किंग के जो चाहते होंगे भाई दोबारा से इसका दिल टूटे और दोबारा से ऐसी एल्बम फेंक दे भाई 4-5 और, एक ब्रेकअप पे तो मैं 3 से 4 एल्बम सुनने को मिल जा रही है, तो सोचो भाई, और भगवान ना करे ऐसा हो यार, बट गाने इतने अच्छे हैं क्या करे भाई, बताओ तुम। पर मेरा तेरी ही आंखों में तुझको गिरा दूंगा, उस दिन ढूंढेगी घर जब तेरे ही आगे मैं बंगला बनवा दूंगा, और रोज लगेगी ये आग मैं तुझको कुछ ऐसा जला दूंगा, बड़ी महंगी लगेगी ये बात जब सच साली करके दिखा दूंगा, करे बड़ी महंगी लगेगी जब ये साली सच कर, भाई महंगी हो चुकी है ये बातें, महंगी हो चुकी हैं आज के डेट में, यू आर किलिंग भाई, जो बातें बोली हैं अभी भाई ऑलरेडी, आई वांट टू से किंग यू भाई के 2 साल पुराने किंग को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ये सब जो आप बातें बोल रहे हो ये सब ऑलरेडी सच हो चुकी हैं, सो वो लड़की उसको लड़की को महंगा लग रहा होगा भाई, मैं बहुत भारी पड़ा होगा उस लड़की को छोड़ना, मैं बोलना चाहता हूँ बस सीधी बात, करे ब्लिंग तेरे खून से गाड़ी मेरे पहने की है इंक मेरे, जो भी है मन में वही करूंगा सिंग, क्योंकि उमर 73 आजाद तेरा किंग, उमर 73 आजाद तेरा किंग। एंड ये वाला जो स्टाइल है किंग का, ये हमेशा से रहा है, स्टार्ट से ही है ये, देख रहे हो तुम कि हर गाने के एंड में दिखा देना कि नेक्स्ट कौन सा है, ऐसे हर आर्टिस्ट नहीं करते, बट हाँ अपना इसका सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कैसे करना है कैसे नहीं, मतलब अगर एल्बम तुम निकाल रहे हो तो पूरी उसकी अच्छे से डेडिकेटेडली चीज़ें करना, समझ रहे हो, मतलब वो शुरू से ही है किंग में, हम देख चुके हैं पिछले गानों में भी, लाइक हर गाने के लास्ट में नेक्स्ट गाने का एक लिंक होता है, मतलब बताया जाता है कि कौन सा नेक्स्ट गाना है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस भाई, देखो कि क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, बस कमी ये रहती है पुराने गानों में कि आर्टिस्ट के पुराने गानों में कमी यही रहती है कि बस क्वालिटी में थोड़ी सी कमी हो जाती है, बाकी किंग के लिरिक्स शुरू से ही डोप हैं और जो कॉम्पोजिशन ये बनाता है वो हमेशा से ही डोप हैं, और फ्लोज के साथ जो खेलता है हल्की हल्की मेलोडी इसमें चिपकाना ये सब करना वो शुरू से ही डोप है इसका, सो इसमें सरप्राइज वाली बातचीत नहीं है, बट हाँ तुम अगर पुराने गाने सुनोगे हर आर्टिस्ट के तो तुम्हें भाई कहीं ना कहीं पे वो एक एक जो क्वालिटी की वो होती है वो एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि क्वालिटी हर किसी कोई स्ट्रगल फेस में होता है, हर किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बट हाँ जिस टाइम पे जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है जहाँ तुम वो आर्टिस्ट आज स्टैंड करता है अब की क्वालिटी देखो, अगर उस टाइम में अगर क्वालिटी बेकार है तब तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, बट पुराने टाइम में ऐसा नहीं कर सकते, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड सी यू, एंड इन ओवर टू डू यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके जो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।